السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف الحافظ الإمام

के ज़मन में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसलम का एक आज़ीम शान जिक्र फरमाया सही बुखारी के हवाले से जिसका कुछ हिस्सा पिछले दर्स के अंदर जिक्र किया जा चुका है और उस ख़्वाब का कुछ हिस्सा आज के दरस में इन जिक्र किया जाएगा और फिर उसके बाद उसकी जो ताबीर फरिश्तों ने ज़िक्र फरमाई है वो ताबीर भी बयान किया जाएगा इस ख्वाब को मुअल्लिफ ने इसलिए ज़िक्र किया है क्योंकि इसमें गुनहगार लोगों का अंजाम इसमें दिखाया गया है गोया के गुनाहों के बुरे असरात में से एक असर ये है कि उस इंसान का अंजाम मरने के बाद की जो ज़िंदगी है आखिरत की वो ज़िंदगी उसकी नहायत मुश्किल तरीन ज़िंदगी होगी जिसका सह पाना इंसान के बस में नहीं होगा आइए ज़रा देखें कि आगे ख्वाब का जो हिस्सा बाकी रह गया था उसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कुछ दिखाया गया फरमाते हैं पन तलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम चल पड़े सफ़ा नंबर वन फाइव फाइव एक सौ पचपन पन तलाक हम चल पड़े فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع. हम एक ख़ूबसूरत बड़े बड़े घने दार लम्बे दरख्तों वाले बाग के पास आए लंबे लंबे दरख्त घने दरख्त आपस में मिले हुए और वो बाग खूबसूरत सा बाग था जिसमें मौसम बहार की कलियाँ खिली हुई थी फी मिनकुल्ली नौ दिन रबिये मौसम बहार की तरह तरह के फूलें और कलियां खिली हुई थी वही दा बई ना दहा रौदा जुल तवील उस बाग के बीच में एक लंबे कद का इंसान मौजूद थे उस दरख्त दरख्तों के बीच में एक इंसान भी नजर आए ला अका ارا راسه وا اتنه لمبه تھے کہ ان کا سر نظر نہیں آ رہا تھا۔ یعنی يعني سر آنکھیں اٹھانے کے بعد بھی ان کا سر یعنی يعني آسانی کے ساتھ ان کا سر دکھ نہیں رہا تھا۔ طولا في السماء اونچائی میں واذا حول الرجل من اكثر بلدان رايتهم قط اور उनके आस पास में खूबसूरत बच्चे मौजूद थे बाज़ रिवायात में उन बच्चों के ताल्लुक़ से ये मजकूर है कि वो मुस्लिम बच्चे थे जो बलोगत से पहले बचपने में वफात पा गए थे कालाकुल तुम महा मैंने पूछा ये क्या है وما هؤلاء أو يكون کون قال قال لي، ان دونوں نے مجھ سے کہا، انطلق انطلق آگے چلیں آگے چلیں فانطلقنا ہم آگے فاتينا الى دوحة عظيمه ہم ایک بھاری بھرکم درخت کے پاس آئے. لم ارى دوحة قط اعظم منها मैंने उससे भारी दरख्त उससे बड़ा दरख्त मैंने नहीं देखा था वाला अहसन और उसके जैसा खूबसूरत दरख्त भी नहीं देखा था काल, काल आली उन दोनों ने मुझसे कहा इकाफ़ी हा इस दरख्त पे चढ़ जाओ नबी नबीसम से उन दोनों ने क्या कहा इस दरख्त पर चढ़ जाओ पर فيها इला मदीना हम उस पर चढ़ करके देखते हैं कि वहाँ एक शहर आबाद है और तकना हम उस पर चढ़े तो दरख्त पर चढ़ने के बाद हमको क्या नज़र आया मदीना नज़र आया, यानी शहर नज़र आया मबनीयतिन बेलाबानी जहाबिन वाला बनी वो शहर जो बना हुआ था सोने और चांदी के ईंटों से बना हुआ था वो शहर जो तामीर था एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की इस तरह की ईंटों से उस शहर को बनाया गया था काल आतना बाबल मदीना हम शहर के दरवाजे के पास पहुँचे ताकि उस शहर में दाखिल हो सकें पस् और दरवाज़ा खोलने के लिए तलब किए कि दरवाजा हमारे लिए खोल दे हालाना दरवाजा खोल दिया गया हा हम उस शहर में दाखिल हो गए पतला कुछ ऐसे लोग हमारे सामने आए शत्र मिन किन का मा अंतराइन उनके जिस्म का आधा हिस्सा बहुत लाजवाब और खूबसूरत जिस्म पर था आधा हिस्सा उनका जिस्म जिसमत ही खूबसूरत जिस्म था व शतु मिन होम का अक वह मन और आधा जिसम बहुत बुरा जिस्म था इस कदर बुरा कि इंसान ने उतना बुरा ना देखा हो कल खाल हूम उन दोनों ने उनसे कहा कहाजहाबू वही लोग जो सामने आए थे प्यारे नवी वसल्लम से नवी करीब वसल्लम के सामने जो लोग आए थे जिनका आधा हिस्सा बहुत खूबसूरत और आधा हिस्सा बहुत बदसूरत उन लोगों से इन दोनों फ़रिश्तों ने कहा इजहाबू जाओ ذلك नहर और उस नहर के अंदर दाखिल हो जाओ نهر يجري المحض في البياض. वहां एक नहर जारी था जिसका पानी खालिश दूध की तरह से सफेद था खालिश दूध किसे कहते हैं जिसमें पानी की मिलावट और उसमें झाग भी ना हो क्योंकि झाग को दूध नहीं कहते हैं झाग समझते हैं, जो दूध निकालते वक्त ऊपर झाग की शक्ल ऊपर आ जाती है वो दूध नहीं होता दूध का झाग होता है, तो ये भी नहीं होगा खालिश दूध होगा खालिश दूध की तरह से सफेद होगा जिसमें ना मिलावट होगी और न इस तरह के झाग होंगे बयाब सफेदी में वो बिल्कुल निखरा हुआ होगा बजाह ये लोग जाएंगे और उस नहर में दाखिल हो जाएंगे सोमवार और फिर हमारी तरफ लौट करके आए कसू उस नहर में जाने की वजह से उनके अंदर की जो बदसूरती थी वो चली जाएगी जो जिस्म के अंदर का आधा हिस्सा ही बदतरीन और बदसूरत था उस नहर में दाखिल होने के बाद वो बुरा मंजर उनके जिस्म का खत्म हो जाएगा काल काल अली उन दोनों ने मुझसे कहा ही जन्नत तो आदन्न ही जन्नत आदम ये जन्नत आदन है इसका तस्करा पुरानी मजीद में बार बार रब करीम ने किया है वहादा का मंजिलुक और ये आपकी मंजिल है ये जन्न, जन्नत आदन है यानी जहां आप हैं ये जन्नत आदन है और आपकी मंजिल वहां है

सफ़ेद सफ़ेद बादल की तरह से रबाबा बादल को कहते मिस मिसाबल बैगा सफ़ेद बादल की तरह से कल क़ाली उन दोनों ने मुझसे कहा हदा का मंजिलुक ये है आपकी मंजिल ये है आपका कसर यह है आपकी महल यह है आपकी मंजिल कल कुल तुल्हुमां मैंने उन दोनों से कहा बारकल्ला भी कुमां अल्लाह आप दोनों में बरकत दे फानी फाद खुला आप दोनों मुझे छोड़ दें मैं अपने महल में दाखिल हो जाऊँ खला अमल आन पला अभी नहीं वो अंत दाखिल हूँ لكن يقيناً اپ اس وأنت اسمه ائیں گے داخل اپ اس میں یقینا ائیں گے اللہ عدن جنة الفردوس کے اندر داخل قال قلت لهما من ان دونوں فاني رايت منذ الليله عجبا منذ الليله عجبا اج کی رات जीब वरीब चीजें देखी है मुंजुल्लत आजबन मुंजुमन से लफ्जी तर्जमा करेंगे तो थोड़ा मफहम क्लियर नहीं होगा आज की रात मैंने अजीब व गरीब चीज देखी है पमा हदल राय ये जो चीजें मैंने देखी हैं ये क्या है काल काला उन दोनों ने कहा अमा इन सा नुख़ और आपको बताएंगे अब उसके बाद उन्होंने शुरू से आखिर तक जो नबी करीम सल्लम को दिखाया गया एक एक की वजाहत व करते हैं यानी अब तक जो देखे देख दिखाया गया उसका आ, उसकी तोज़ी और उसकी

या खुदल कर्नपदा हो ये वो इंसान है जो क़ुरआन को सीखने के बाद उसका इनकार कर देता था वाम व अल मक्तूबा और फर्ज नमाज से सो जाता था ये वो इंसान है जो क़ुरआन भी नहीं पढ़ता नमाज भी नहीं पढ़ता उसका इनकार कर देते हैं कुरान नहीं पढ़ता था बावजूद इसके कि उसको पढ़ना भी आता था उसने उसको याद भी कर लिया था उसके बावजूद भी सुस्ती और काहली की वजह से वो कुरान से दूर रहता था अमली जिंदगी में कुरान नहीं आया इल्मी जिंदगी के तौर पर कुरान उसने सीखा ये नेमत उसे हासिल हुई क़ुरान मजीद उसकी इलमी दुनिया में आया अब उसको पढ़ना लिखना आ गया वो पढ़ सकता है समझ सकता है और उसे जुबानी और देख करके कुरान पढ़ना आ गया है लेकिन अमली तौर पर वो इंसान उसे नहीं ले रहा है कुरान को नहीं ले रहा है न रातों में पढ़ता है ना दिन में पढ़ता है न सुबह पढ़ता है न शाम पढ़ता है नमाज में पढ़ता है नमाज के बात यहाँ तक कि फराइज जो फरीजा नमाज है उस तक से भी वो सुस्ती और काहली से काम लेता है उसमें भी नमाजें नहीं पढ़ता तो इसे पता चला कि ये जो दर्दनाक किस्म का आ, की सजा और आजाब उस इंसान को सर के ऊपर पत्थर मार मार करके दिया जा रहा था ये उस इंसान के अंदर पाया जाने वाला वो कीड़ा है जो उसे अमली ज़िंदगी की तरफ आने से रोक रहा था गोया कि सुस्ती और काहली फरीज़े से क़ुरान मजीद से और इस तरह के खैर के कामों से इंसान को इस खतरनाक अजाब की तरफ़ ले जाने का ज़रिया और सबब है जिससे बचने की ज़रूरत है ये हो गया पहला शख्स अर उदको इलाकफा वो इंसान जिसका जिसके मुंह का हिस्सा पीछे गुद्दी तक फाड़ा जा रहा था मुंह से नाक से आँख से खींच करके और गुद्दी तक फाड़ते हुए ले जा रहा ले जाया जा रहा था फईन नजुल्बयती ही ये आदमी अपने घर से निकलता फ़िकबता आफ़ाक तो ऐसा झूठ बोलता जो लोगों के दरमियान फैल जाता कोई भी बात वो अपनी जुबान से निकालने के बाद खामोशी से नहीं बैठता उसको पॉपुलर कर देता था सोशल मीडिया पर आप कोई भी चीज़ डाल करके देखें एक ही दिन में लाखों लोगों तक वो चीज़ आसानी से पहुंचाई जा सकती है भयक जब उलता तब उल आफाक। वो झूठ बोलता और उसे पूरी दुनिया में फैला देता आफाक जिधर आसमान गिरता हुआ नजर आता है उसको उफुक कहा जाता है चारों तरफ आसमान गिरा हुआ नज़र आ रहा है यानी गोया कि वो आखिरी हद है ज़मीन की तो जब आफाक कहा जाए तो उसका माना यह है कि अपने से दूर जहाँ तक भी जा सकते हैं वो सब आफाक है अपने से दूर जहाँ तक भी इंसान की निगाह या उसकी जानकारी पहुँच सकती है वह सब आफाक है तो गोया कि वो इंसान झूठ बोलता था और उसे फैलाने में भी कोशिशें करता था उसकी ये सज़ा और उसका ये आदाब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ़ से चुना गया कि उसका मुंह फाड़ा फाड़ा जाएगा उसकी नाक फाड़ी जाएगी यहाँ तक कि उसे सर के आखिरी हिस्से तक ले जाया जाएगा ये सज़ा है उस इंसान के ज़ुबान पर कंट्रोल न करने की वजह से अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमाए व अमर रिजाशा अल्लादीन फ़ी मिसीना इतनूर की नंगे बदन मरद और औरत जो तन्नूर के जैसा एक सज़ा के तौर पर नीचे से जहाँ आग दहक रही होगी और एक लपट उन्हें ला करके और तन्नूर के ऊपरी हिस्से जो कि बहुत तंग होगा वहाँ तक ले करके आएगी और फिर वो नीचे दोबारा चले जाएंगे। यही सज़ा जिन लोगों को दी जा रही है फ़ैी नमजन व जवानी जानी मर्द और जानिया औरतें हैं जिन्होंने इसी तरह की हरकतें अल्लाह रब्बुल रब्लम के दिए गए हदूद को फ़लाम कर अपने ऊपर से कपड़ों को हटा करके उन्होंने ये मामला किया था सज़ा भी रब करीम की तरफ़ से उसी जगह से शुरू की जा रही है जहाँ से ये हरकत इन्होंने दुनिया के अंदर गुनाह का किया था गुनाहों की ये सज़ा और उसके ये बुरे आसार हैं और ख़ास तौर से जेना का ये जुर्म जो आज के दौर में लोगों के दरमियान घर घर आम हो चुका है और मीडिया ने औरूमी तौर पर लोगों के हाथों में मौजूद मोबाइल ने इस मुनकर को जिस क़दर लोगों के दरमियान फैलाया है दरअसल ये एक खतरनाक किस्म का जुर्म है जो शरीयत इस्लामिया ने न सिर्फ़ लोगों को इससे रोका है बल्कि उसके करीब जाने से भी मना किया है वोला तक जीना कह करके सख्ती से पाबंदी इस पर लगाई है फिर भी जो लोग इस तरह के बुराइयों में मुलिस रहेंगे और तोबा इसतबार के बगैर दुनिया से चले गए तो ये उनकी सज़ा होगी जिसका यहाँ तस्करा किया गया वह अमर रजुल वो इंसान जो पानी में डूबा हुआ था पानी में तैर रहा था नहर के अंदर और जब वो किनारे निकलना चाहेगा तो एक इंसान वहाँ खड़ा ढेर सारे पत्थर उसके मुंह के अंदर डाल करके उसको ढकेलता जाएगा यहाँ तक कि दोबारा वो पानी के अंदर इसी तरह से हिचकोले लेगा और उसी के अंदर पड़ा रहेगा तो ये कौन सा इंसान होगा सूद खाने वाला ये इंसान होगा बड़ी आसानी के साथ जिसे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आते हैं और एहसास भी नहीं करते कि ये सूद है या नहीं और बताने के बावजूद और इसके कि हम उससे बच भी सकते हैं उसके बावजूद सिर्फ़ इस वजह से कि हमारा माल कम ना होने पाए बढ़ता ही रहे हम ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा और फायदा कमा सकें सूदी सिस्टम को बड़ी आसानी के साथ हम कबूल कर लेते हैं कारोबार को तरक्की देने के लिए बैंकों से लोन लेना हमारे लिए कोई नया मामला नहीं है खतरनाक किस्म का ये जुर्म और उसकी ये सज़ा जिसका यहाँ तजकर किया गया है ये उन्हें दिया जाएगा तो वो अब मर्रजलियमआ वो इंसान जो बुरे मंज़र वाला इंसान था शक्ल सूरत के अतबार से जिसकी जो बदसूरत निहायत ही बदतरीन सूरत वाला इंसान आग के पास पाया जाएगा और उस आग को भड़काएगा और उसके इर्द गिर्द में वो चलेगा प इ नाल खाजन जहन्नम वो आग के आसपास में रहेगा और उस आग को भड़काता रहेगा और उसकी सूरत ऐसी होगी जो ए, अच्छी नहीं बल्कि बहुत बदसूरत होगी जिसे देख करके ही इंसान कांप उठे ये जहन्नम के दारोगा होंगे जहन्नम का ये दारोगा होगा जिनका नाम क्या होगा मालिक ليقضي علينا ربك قال के स तो इस तौर पर नबी करीम ने ये जो जिक्र फरमाया जहन्नम के दारो का ये बुरे मंजर वाला होगा शक्ल सूरत जिसकी अच्छी नहीं होगी वो अम रजलतवी फिर रौदा वो लम्बा इंसान जो हरे भरे और लंबे-लंबे घने लंबे दरख्तों के बीच में जो इंसान नज़र आएगा फिन्ब्राहीम व इब्राहिम व अमिल्दानदीन बच्चे जो नबीकर वल्लम के आस पास में मौजूद थे फ़ुलद्दीन माताफ़रा तो ये फितरत पर मरे हुए बच्चे मुसलमान बच्चे وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة فطرة بجنك بعد عيش فيه فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين يتو مسلمان كي بچه ہوئے مشركون كي بچه بچوں کا کیا ہے فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين اور مشركين كي بچه بھی يعني दोनों ही इब्राहीमत के आस पास में होंगे और वो नेमत जिसका तस्करा किया गया है इब्राहीमत भले भारी 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 लंबे दरख्तों के बीच ख़ूबसूरत बाग के अंदर जहाँ कलियाँ खिली हुई होंगी फूल पत्ते होंगे वहाँ मुसलमान बच्चे जो कली की शक्ल में दुनिया से चले गए ये भी वहाँ पर मौजूद होंगे नबी क़रीम वसल्लम ने कहा और मशरकिन के औलाद भी मुशर्क के औलाद भी इसका क्या मानना है क्या सारे मशर्किन के औलाद ऐसे ही होंगे अगर ऐसा ही होता तो शुरू ही में कह दिया जाता मुसलमान बच्चे और मशर्कन बच्चे जो भी हैं सारे के सारे जन्नत में और इब्राहिम सलाम के इर्द गिर्द में लेकिन ऐसा नहीं कहा गया मुसलमान बच्चों को कहा गया या वो बच्चे जो फ़ितरत इस्लाम पर पैदा हुए यानी जिस जो फ़ितरत इस्लाम पर रहे पैदा हुए उसी पर रहे उन बच्चों के हवाले से यहाँ कहा गया है यानी मुसलमान बच्चे क्योंकि जो मुस्लिम के अलावा बच्चे हैं फ हो युहादानी ही अवनसरानी ही अवयु मजसानी वालदे उन बच्चों के जो कि यहूदी हैं तो यहूदियत का रास्ता दिखाते हैं जो नसरानी हैं वो नसरानीत का रास्ता दिखाते हैं और जो मजूसी हैं वो मजूसीत का रास्ता दिखाते हैं तो अब जो रास्ता उन्हें दिखाया जाएगा वही रास्ता वो देखेंगे वही रास्ता वो अपनाएंगे उसी रास्ते को इख्तियार करेंगे या कि वो फितरत पर बाकी नहीं रह गए फितरत उनकी चेंज हो गई फितरत उनकी बदल गई इसीलिए सारे मशरकिन के बच्चों को एक साथ जिक्र नहीं किया गया यानि उनमें से जो मशर्क के बच्चे फितरत पर बाकी रहेंगे उनका मामला वही होगा जो मुस्लिम बच्चों का होगा तो क्या पता है कि कौन से बाकी रहेंगे कौन से नहीं बाकी रहेंगे बाज रिवायात से पता चलता है कि मरने के बाद उन बच्चों को रब करीम सबको इकट्ठा करेगा च्यूटियों की शक्ल में और उनकी आजमाइश होगी उनकी आजमाइश होगी गोया कि उन्हें भरपूर जिंदगी दी जाए दी जाएगी तो क्या करेंगे भरपूर जिंदगी अगर उन्हें दी जाएगी तो अपने माँ बाप के रास्ते पर चलेंगे या फितरत जिस पर अल्लाह ने पैदा किया है उस पर वो बाकी रहेंगे उस पर वो चलेंगे कौन सी चीज़ वो चुनेंगे तो वहाँ जो आजमाइश की चीज़ लाई जाएगी और दोनों में से जो उनका इख्तियार होगा उसी के एतबार से जजा और सज़ा के वो मुस्तक करार पाएंगे तो ये इम्तिहान होगा ये इम्तिहान होगा क्योंकि जिस घराने के अंदर वो पैदा हुए हैं वो एक और ढर्रे की तरफ ले जाने वाला है एक और रास्ते की तरफ और जिस पर ये पैदा हुए हैं ये किसी और रास्ते की तरफ ले जा रहा है तो अब दोनों में से किसके हक में फैसला दिया जाए खुद उनसे उनके इख्तियार इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी कि आप दोनों में से जो चाहो इख्तियार करो अगर बाप दादा के रास्ते को चुन लेते हैं तो वो उन्हीं के साथ उनका हाशर होगा और अगर फितरत के रास्ते को चॉइस कर लेते हैं तो मुसलमान बच्चे जो कि फ़ितरत पर बाकी हैं उन्हीं के साथ उनका मामला होगा तो इस तौर पर इन रिवायात के दरमियान तारुज़ बाकी नहीं रहता और वो मफहूम क्लियर होकर के सामने आ जाता जो मश्रिकीन के बच्चों के तल्ल से हमारे और आपके जहनों दिमाग में पैदा होते हैं कि उनका क्या होगा इस तफस को हम उसमें सामने रखें वम्लोम लदी नकान व शतमिन हम हसन व शतरुमिन कबी और वो लोग जिनका आधा हिस्सा जिसम का आधा हिस्सा बुरा और जिसम का आधा हिस्सा बहुत खूबसूरत था

और हम सब ये बखूबी जानते हैं कि जन्नत में सिर्फ पाक लोग ही दाखिल हो सकते बुराइयों के आसार जिनके ऊपर होंगे वो जन्नत में नहीं जा सकते तो जब बुराइयों के साथ दुनिया से रुखसत हुई और किसी को मालूम नहीं कि ये बुराई जो मैं अभी करने जा रहा हूँ क्या इससे तोबा की तोफ़ी से पहले ही हम दुनिया से चले जाएंगे या तोबा का हमें मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा और उसकी तौफीक भी देगा मौका भी और तौफीक भी किसी को नहीं मालूम तो कितने ऐसे हैं जो तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुलविस पाए गए और इससे पहले कि उससे बाज आते सही माने में तोबा करते सच्ची तोबा करते उससे अलग अपने आप को कर लेते इससे पहले आलमीन की तरफ से बुलावा आ गया अब जो अच्छे अमाल किए हैं वो तो अच्छा है लेकिन जो बुरे आमाल उनकी जिंदगी में रहे जिससे तौबा की तौफीक उन्हें नहीं मिल सकी या तौबा की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया वो उनकी जिंदगी के साथ बाकी रहने वाले वो ख़त्म नहीं होंगे तो क्या अशर होगा ऐसे लोगों का जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को डाल देगा ताकि उसकी सज़ा वो भुगत लें और पाकी उनके अंदर आ सके गंदगी उनके जिस्म से दूर की जा सके एक ही रास्ता वो बचेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल अगर उनके ऊपर शामिल हाल नहीं हुआ और वहाँ पर जिस क़दर रब करीम चाहेगा जलने के बाद फिर वो उस नहर के अंदर दाखिल किए जाएंगे जिसका तस्करा इस हदीस के अंदर किया गया है इसीलिए कहा जाता है और ये बहुत अहम है कि अल्लाह अपने उन बंदों के साथ खैर कर रहा है कि मरने से पहले उन्हें तरह तरह की मुसीबतों में मुबला कर देता है बंदा जिस पर तरह तरह की मुसीबतें मरते मरते मुसीबतें नहीं उसका पीछा छोड़ी मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियां मुख्तलिफ तरह का दुख उसे नहीं मालूम उस इंसान को नहीं मालूम कि ये जो मामला हमारे साथ है ये खैर का मामला है या शर का मामला है लेकिन रब्बे करीम अपने जिस बंदे से मोहब्बत करता है और जिसकी अदा उसे अच्छी लगती है लेकिन उसका अमल ऐसा नहीं है उसका अमल अच्छा अमल इतना पावरफुल नहीं है या उस दर्जे का नहीं है कि जो उसके गुनाहों को मिटा सके जो उसके गुनाहों पर गालिब आ सके और उसको साफ कर सके क्योंकि अच्छे अमाल बुरे आमाल को साफ़ कर देते हैं मिटा देते हैं इन नल न थी युद्ध तो इतने अच्छे अमाल उसकी जिंदगी में अगर नहीं पाए गए कि जो उसके बुराई जिंदगी में पाई गई बुराइयों के लिए कफारे का जरिया बन सकें और अल्लाह अपने उस बंदे से मोहब्बत करता है क्योंकि वो है ही इंसान अच्छा सज्जन इंसान है लेकिन अमल उसका कम हुआ भरपूर उतना अमल नहीं कर सका तो अल्लाह रब क्या करता है उसके ऊपर बोझ डाल देता है तकलीफ का बोझ दुख का बोझ गम का बोझ तरह तरह की आजमाइशों का बोझ रब करीम अपने उस बंदे पर जिससे वो मोहब्बत करता है तरह तरह की आजमाइशों की मबला कर देता है बंदा बजाय इसके कि अपने रब से हुसन जन में मुबतला हो बजाय इसके कि अपने रब के फैसलों पर अपने आप को रजामंद रख करके हजर आजीम का जो अल्लाह उसके लिए चाहता है उसका सबब बन सके वो बदगुमानियों में पढ़ने लगता है हिम्मत छोड़ने लगता है हिम्मत हारने लगता है कि मैं ही सबसे बुरा इंसान ठहरा ऐसा वो सोचने लगता है मैं फिर भी तो नमाज पढ़ता हूँ मैं फिर भी रोज़ा रखता हूँ मैं फिर भी कुछ ना कुछ अच्छे भले करता हूँ उससे तो मैं अच्छा हूं ऐसा इंसान बोलता है ऐसा इंसान सोचता है कि इन कुफार से इन मुशर्कन से इन बुत परस्तों से और इन मज़ार परस्तों से और इन फला और इन फला इन सारे लोगों से तो मैं भला ठहरा फिर इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें हमारे ऊपर क्यों जुर्म क्या इंसान काम करके भूल जाता और कितना खतरनाक काम है इसका उसको अंदाज़ा भी नहीं हो पाता पता चला कि तन्हाई की बाज़ गलतियाँ तन्हाइत की बाज गलतियाँ गलतिया, उसके बड़े बड़े अच्छे भले कामों पर आ जा रही हैं खुद कुरान में अल्लाह ने क्या कहाला तो मब्ल व रसोल ही इन और क्या कहा या आपकी आवाज़ अगर नबी की आवाज़ पर बुलंद हो जा रही है तो यही एक अमल आपके सारे अमाल को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है अंत है बता तुम ला तो शहरों तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब गायब हो गया तो बाद गुनाह का आदमी एहसास भी नहीं कर पाता और वो गुनाह उसके बहुत बड़े बड़े अच्छे कामों पर गालिबा जाते अब हमारे दरमियान प्यारे नबीसलम तो नहीं रहे लेकिन आपकी सुन्नतें तो हैं जो लेकर के आप आए थे इस दुनिया में आपकी सुनते तो मौजूद हैं कितनी सुनतों का हमें अहतमाम कर पाते हैं और उनकी अजमत हमारे दिलों में बैठी हुई है ये एहसास हमारे दिल को बोझल किए हुए है कि ये अजीम सुन्नते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अजमत हमारे दिलों के अंदर है यह हमारे दिलों में उसका हल्का 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 दर्जा है हमारे दिलों में हमें नहीं मालूम किस दर कौन सा दर्जा हमारे हमारा दिल महसूस कर रहा है इन सुन्नतों के हवाले से जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है हम कैसा एहसास अपने दिल में पाते हैं इन सुन्नतों के हवाले से वहाँ है कि आवाज़ बुलंदा होने पाए यहाँ पता चला हम अपनी सारी ख़्वाहिशात को प्यारे नबी वम के हुक्म आपके तरीके आपके अंदाज आपकी सारी चीजों पर हम गालिब कर देते हैं कहा जाता है कि अगर आपने किसी की जमीन एक बालिश भी कब्जा कर लिया तो क्या करेगा अल्लाह रबालमिन तू कला सब अरा सात तबक जमीन उसके ऊपर लगा दी जाएगी सात तबक जमीन कहता कोई बात नहीं वो आदमी बड़ी आसानी के साथ सर झटक करके और उसको कबूल कर लेता है और वो चीज जो उसकी नहीं है उसके हिस्से में आ जाती है थोड़ा सा सर हिलाने की वजह से वो भूल जाता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका क्या था कि अगर मैं भी फैसला किसी के हक में दे दूं आप ऐसा कहते हैं जैसा कि मैंने सुना है उसकी रोशनी में मैं भी अगर कुछ फैसला दे दूं और आपका नहीं है तो मैं जहन्नम का टुकड़ा काट के दे रहा हूं तो एक इंसान अपने समझ से उसे वो चीज़ मामूली चीज़ आती है हालांकि वो अल्लाह आलमीन के यहाँ काफ़ी अहमियत की हामिल होती है वह तहसब वन वह हो आहद अजीब मामूली आप समझते हैं आपके समझ में वो चीज़ मामूली है और अल्लाह के यहाँ उसकी हैसियत बहुत बड़ी है वह आहद अल्लाजीब अब एक वाक़ जो नकल किया गया है आप ज़रा देखें वाक्य जो नकल किया गया है सही हदीस के अंदर कि एक नेक शख्स जो कि नेकियां करता था अच्छे भले काम करता था और अपने भाई को समझाता भी था अच्छे भले काम करता और जो उसके आस पास पड़ोस के जो भाई थे उन्हें समझाता भी था उसकी तरफ लाता भी था खैर की तरफ मायल करता था फिर क्या हुआ किसी दिन वो ज्यादा तंग आ गया और ये कह बैठा क्या कह बैठा कि अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा वल्लाह हिलायक फिर अल्लाह हो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा हालांकि वो नाराज हुआ किस चीज पर एक बुरे काम पे नाराज हुआ था लेकिन जो बात उसने अपनी जुबान से कही वो ये बात कही कि अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा पर रब करीम ने उसका क्या जवाब दिया मंजल लजीत अल्लाह अल्लाह फिर फलान कौन है जो मेरे खिलाफ कसम खा करके कहता है कि मैं फलां को माफ नहीं करूँगा मैंने फलां को माफ कर दिया वह अहबक तो आम और तुम्हारे अमल को बर्बाद कर दिया वह अहबक आम अलग हजरत वजील्ला इसी के बारे में कहते हैं कलीमात अब दुनिया व आख़रत एक कलिमा उसने अपनी ज़बान से अदा किया और उसने उसकी दुनिया और आखिर दोनों को बर्बाद कर दिया तो एक इंसान जिसके अच्छे आमाल का पड़ रहा हल्का रहा वो हमारा रब बेहतर जानता है हमें नहीं मालूम अल्लाह से नेकियां करते हुए अल्लाह ने क्या कहा नेकियां करते हुए डर रहे हैं नेकियां कर रहे हैं और डर रहे हैं सदका खैरात कर रहे हैं और डर रहे हैं अच्छे भले काम कर रहे हैं और डर रहे हैं किस चीज़ से डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्लिन से कबूल ना करे डर रहे हैं खौफ खौफ उनके अंदर है तो एक इंसान अपने रब के तई ऐसा एहसास अगर पैदा कर ले कि इतनी सारी नेकियां और अच्छे और भले काम दीन के काम जब देखें तब मैं उसी में लगा हुआ हूँ और फिर भी हमारे ऊपर रहम तरस नहीं आता यानी ऐतराज अल्लाह रब्लम के फैल पर अमल पर एतराज ये भारी चीज़ है ये खतरनाक चीज है वो हमारे साथ खैर चाहता है हमें पता नहीं है जब आंख हमारी खुलेगी तो पता भी चलेगा अभी तो हम बहुत थोड़ी सी चीज़ देख पा रहे हैं वो हमारे साथ खैर का मामला और वो बता भी चुका है कि तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा मैं तुम्हारे लिए खैर चाहता हूँ वो बता भी चुका है ऐसा नहीं कि नहीं बताया मैं तुम्हारे माँ बाप से कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए खैर चाहता हूँ तो अपने मोमिन बंदों के लिए अल्लाह रब्लामीन क्या चाहता है खैर चाहता है खैर चाहने के बावजूद वो हमारे ऊपर इतनी ज्यादा बलाएं डाल दिया है इतनी ज्यादा मुसीबतें डाल दिया है इतनी ज्यादा परेशानियाँ डाल दिया है हो सकता है इसमें भी खैर हो हो सकता है हमें नहीं मालूम लेकिन हो सक इस पर इंसान अपने आप को अगर राजी कर लिया तो वाकई वो इंसान है जिसके साथ हमारा रब क्या चाहता है खैर चाहता है लेकिन दूसरा इंसान कि जिसने गंदगी किया गंदगी के काम अंजाम दिया बुराई के काम अंजाम दिया और अल्लाह ने उसकी पकड़ नहीं किया उसकी बुराइयों से तो उसको बुला लिया छोड़ दिया उसकी बुराइयाँ मस्त रहो खुश रहो अच्छे भले काम करते रहो और अच्छे बुरे दोनों तरह की चीज़ें जो तुम्हारी ज़िंदगी में है किसी तरह की कोई पकड़ अल्लाह ने नहीं किया किसी तरह का कोई मामला न... तकलीफ़ वाला उसकी ज़िंदगी में नहीं आया अल्लाह ने उसके साथ खैर नहीं किया है जिसके साथ अल्लाह शर करना चाहता है खैर नहीं करना चाहता उसके अमाल की वजह से तो बुराइयों पे उसकी पकड़ नहीं करता है दे देता है छोड़ देता है और मौत का फरिश्ता अचानक उसके पास पहुंचता है बुराइयों समेत उसको अपने पास लेकर के चला जाता है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है हमारे लिए क्या अच्छा है कि अगर कोई मुसीबत आ रही है हमें मांगना नहीं है मुसीबत रब ना आते ना फिर दुनिया हंसना कहना है लेकिन फिर भी हमारा रब हमारे साथ खैर करते हुए अगर मुसीबतें हमारे ऊपर डाल दे रहा है तो हमें अपने आप को क्या करना चाहिए राजी करने की कोशिश करनी चाहिए अपने आप को राजी करने की कोशिश वस्तयर वाशे यानी बर्दाश्त करना ये भारी है लकबी और तुम तम करना ये आसान नहीं है भारी है खाशन सिवाय वो लोग जिनके दिलों के अंदर खशियत इलाही है जो झुकने वाले हैं अल्लाह के हुक्म के आगे सरनगो होने वाले हैं अल्लादीन अनुलाक़ूर अबीम व अनु जिन्हें यकीन है कि हम अपने असल ठिकाने की तरफ जा रहे हैं और उसी की तरफ पलट करके जाने वाले हैं ऐसे ही लोग अल्लाह के फैसलों पर खुश होते हैं अपने आप को खुश करने की कोशिशें करते हैं राज़ी करते हैं तो ये वो लोग हैं जिनका आधा जिसम का आधा हिस्सा नबी करीम ने अच्छा और आधा बुरा देखा था कहा ये वो लोग हैं खलत वैम व आख सयन और में की अक्सरीत ऐसे ही है पहले ईमान की जो अक्सरियत है वो ऐसे ही है कुछ अच्छे अमाल और कुछ बुरे अमाल अल्लाह हम सबको बुराइयों से बचाए बुराइयों से तोबा की तोफ़ी दे हर रोज़ नवी व्लम सौ से ज़ायद मरतबा तोबा इस्तेफार इसीलिए करते नहीं मालूम किस वक्त क्या होगा सच्ची तोबा यानी ना करने के इरादे से तोबा यानी कि करने के इरादे से इस जबान को हरकत उस जबान की कोई वैल्यू नहीं कि जिसके दिल में वो एहसास ना पैदा हो कि हम ऐसा नहीं करने वाले इस एहसास के साथ अगर कोई इंसान बार बार तोबा और इस्तार कर रहा है कि अल्लाह में नहीं मालूम क्या गलतियाँ हमसे हो रही हैं जो मालूम है उनका नाम हम लें और जो नहीं मालूम है बग़ैर नाम लिए ऐसे सारे गुनाहों से अगर हम तोबा इस्तवार करते रहें तो ये खैर की अलामत है ये शर्क ये नहीं ये खैर की अलामत है कि ज़ुबान तर रहे इंसान का अल्लाह रह रब्बुल आलमीन से तोबा इस्तवार करते हुए तजा वजल्लाम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया ये है वो हदीस जो सही बुखारी के हवाले से ज़िक्र की गई जिसके अंदर काफ़ी इबरत है नमूना है हम सब के लिए जिनकी जिंदगियों के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं गुनाह के काम हैं गुनाहों के बुरे असरात जो प्यारे नबी वसल्लम को अल्लाह आलमीन ने दिखाए और इस हदीस में उसका तस्करा नहीं आया कि वो दोनों कौन थे लेकिन दूसरी हदीस में उसका जिक्र मौजूद है वो दोनों जबरील और मिकाइल मिकाइलम थे जबरी और मिकाइल थे वो दोनों नबिक्रीम वसल्लम को सैर करा रहे थे और आपको ख्वाब की शक्ल में ये सारी चीज़ें दिखा रहे थे कि ऐसा अम्बिया के ख्वाब सच होते हैं जैसा कि शुरू में मैंने जिक्र किया ये यकीन दिला रहे थे कि लोगों को बुराइयों से बचना चाहिए क्योंकि उसका अंजाम निहायत ही ख़तरनाक है लम्हात लम्हात में इंसान को उसका कुछ जायका मिलता है दुनियावी से, उसका कुछ फ़ायदा उसका कुछ भला मिलता है लम्हात में लेकिन उस उन लम्हात के बदले में उसको पूरी एक लंबी ज़िंदगी वक्फ़ करनी है सज़ा के तौर पर और अगर वो शिरकिया काम हो तो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी ख़तरे में सही अंजाम नहीं है अक्ल दानिश के लोग जो समझदार हैं इन सारी चीज़ों से नसीहत लेते हैं और अपनी ज़िंदगी पर बार बार गौर करते हैं इससे पहले कि दूसरों को देखें हर शख्स अपनी अपनी ज़िंदगी को बखूबी देखने की कोशिश करता है वही तो वक्त है और ये असर के ताल्लुक से जो हदीस थी वो पूरी हो चुकी है इनशाला इसके आगे का जोलिफ ने ज़िक्र किया है उसको लिया जा रहा है सफा नंबर एक सौ सत्तावन वन फाइव सेवन हाँ वन फिफ्टी सेवन है क्या हदीस के अल्फाज क्या पढ़े आप के अल्फाज मुझे याद हैं युसी हो, हाँ तो ये दोनों अल्फाज हैं यानी अल्लाह रबूल जिसके साथ खैर का मामला करना चाहता है वो कुछ मुसीबतें कुछ परेशानियाँ उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन डाल देता है और उसको ए, मरने से पहले पहले उसकी जो मरारत है गुनाहों का और जो तकलीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आई है ये रब की तरफ से रहमत बन करके वो उसके कायम काम हो जाती है उससे मिलो और दूसरी जो रिवायत है इस्तामिलहू यानी खैर के काम अल्लाह अल्ला रब्म से लेता है गोया कि दो रास्ते हो गए जिसके साथ अल्लाह खैर चाहता है तो दो तरह की चीज़ें या दो तरह के मामलात उसकी ज़िंदगी में आते हैं और ये दोनों ही खैर हैं नंबर एक अल्लाह उसे तोफ़ी देता है कि अच्छे अच्छे काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके इस तमिल अल्लाह उसे तोफ़ी देता है अमल करने की अल्लाह उसे तोफी देता है अमल करने की यानी ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर इंसान काम कर सके और दूसरा ये दूसरी राय जो आपने पेश की है कि अल्लाह जिसके साथ खैर करना चाहता है अल्लाह उसके ऊपर मुसीबतें डाल देता है उससे मिनु मुसीबतें उसके ऊपर डाल देता है तकलीफ और परेशानियां उसके ऊपर डाल देता है यानी आमाल के दरवाज़े भी उसके लिए खोल देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खैर करे और मुसीबतों और परेशानियों का ढेर सारा बोझ अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सर के ऊपर डाल देता है ताकि उन्हें वो बर्दाश्त कर सके इसका एक फ़ायदा यह भी होता है कि इंसान अगर बर्दाश्त करने वाला इंसान अगर बन गया है तो वो भारी काम दुनिया में अंजाम दे सकेगा अगर उसकी आदत परेशानियों और कठिनाइयों को बर्दाश्त करने की बन गई है तो भारी भारी काम करते हुए जरा बराबर थकावट महसूस नहीं करेगा उड़ जाएगा किसी भी काम में लग जाएगा हर काम में कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं होगा किसी भी चीज़ को वो अपने लिए दुश्वार नहीं समझेगा यानी मुसीबतों को बर्दाश्त करने के पीछे एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि वो इंसान काम करने के काबिल बन जाता है और अभी जिस दर्जे का काम कर रहा है उससे बड़े दर्जे के काम करने का वो काबिल बनता है यानी गोया के इंसान को जब अल्लाह अजीम बनाना चाहता है दुनिया के एतबार से और आखरत के एतबार से जब आजीम बनाना चाहता है तो उसके जिस्म को इस काबिल बनाता है कि वो उस आज़मत वाले कामों को अंजाम दे सके अजमत वाले कामों को वो इंसान अंजाम दे सके और जिसम अगर उस काबिल है ही नहीं है कि बड़े काम अंजाम दे सके तो अजीब बन ही नहीं सकता भारी भारी काम कौन करता बड़ा ही इंसान एक एक, एक इंसान जो अजमत वाला होगा वो अजीम तरीन काम के जरिए से ही अजमत वाला इंसान बनेगा का। बेला काम के कोई इंसान अजीब नहीं बनता बेला काम के कोई भी इंसान अजीम नहीं होता अच्छे और भले कामों के जरिए से ही इंसान अजीम होता है यानी ऐसे काम कि जिसके असरात उस तक भी पहुंचे और समाज के अंदर मौजूद सारे लोगों तक पहुंच रहे तो जितने ढेर सारे असरात लोगों तक पहुंचने वाले हैं उसके कामों के उतना ही वो अजीम और बड़ा इंसान जिससे जितना ज्यादा लोग इस्तीफादा करने वाले हैं जितना ज्यादा लोग देखिए सही बुखारी सही बुखारी एम बुखारी अलैह ने लिखी है दो सौ कितने में इंतकाल हुआ इमाम बुखारी का नहीं आप मरकज़ इमाम बुखारी में हैं और सही बुखारी क़ुरान मजीद के बाद सबसे अजीम तरीन किताब है उनके ताल्लुक़ से तो इतना हमें जहन में रखना ही होगा दो सौ पचास के ऊपर हैं दो सौ सन दो सौ छप्पन में दो सौ छप्पन हिजरी में इमाम बुखारी राम आल की वफात हुई और आज अभी कितना चल रहा है चौदह यानी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि इमाम बुखारी नहीं है बड़े ही लोगों के जुबान पर उनका नाम नहीं है हर छोटे बड़े के जुबान पर उनका नाम है कितना ज्यादा लोग उनका नाम लेते हैं आदमी उसको शुमार नहीं कर पा रहा है ने कितनी कितना अजमत वाला काम उन्होंने किया एक इंसान का ये काम है कितना आजमत वाला उन्होंने काम किया कि बच्चे बच्चे की जुबान पर और हर सदी में हर दौर में ये नाम लोगों की जुबान पर रहा जितना ज्यादा लोग उससे फायदा उठाएंगे आप आपको मालूम है उतना ही ज्यादा अजर पहुँचता रहेगा ये अजीम होने की है अजीम होने की पहचान है कि इंसान अजमत वाला काम तभी कर सोलह साल में उन्होंने ये किताब लिखी सोलह साल में। एक किताब एक किताब सोलह साल में लिखी दरमिया दर्जे के आप कहें कि चार हजार जिसमें हदीस है सोलह साल के अंदर लिखी कोई भी हदीस लिखते वक्त दो रकात नमाज पढ़ एहतमाम एक एक हदीस को यहां हमें नोट करनी है कर रहे हैं। उसके ऊपर तर्जमतुल बाब कायम कर रहे हैं ये बाब इसके लायक है उसके लिए वो नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कितना अहतमाम उन्होंने किया रात में लेटे लेटे उनको कई कई चीजें याद आती थी उठ के बैठ जाते थे लेटे लेटे और जब वो सोना नहीं बल्कि आराम करना चाहते तो करोट नहीं लेटते बल्कि सर के बल चित, चित ऐसे लेटे रहते थे पैर पे पैर रख करके सोचते रहते थे एक अजीम इंसान जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा काम करके जाए छोटा भी काम कर सकता है लेकिन लोगों के लिए कितना अजीम है कितना आजमत वाला है ये नाम अल्हम्दुलिल्लाह ला करीम ने लोगों की जुबान पर जारी और सारी कर दिया है और इसकी हैसियत उनका नाम आते ही आदमी दुआ करते हैं इमाम मुस्लिम है उन्हीं के शागिर्द सौ इकसठ हिजरी कुछ ही कुछ ही सालों के बाद उनकी वफात हुई छप्पन और इकसठ और इमाम तिरमिजी उनके शागिर्द इमाम बुखारी के दो सौ उन्यासी टू सेवन नाइन दो सौ उन्यासी में देखिए एक ही एक ही जमाने के सब लोग हैं इमाम उदाऊद दो सौ पचहत्तर दो सौ पचहत्तर हिजरी इमाम दाऊद इमाम इब्न दो सौ बहत्तर इमाम नास कर दिया तीन सौ तीन हिजरी उन्होंने सदी क्रास कर दिया तीन सौ तीन हिजरी ये खुतबिता के वो अम्मा हैं जिन्होंने ऐसी अजीम शान किताबें लिखी हैं कि हर हर मदरसे का वो हिस्सा बन गई उसको पढ़े बगैर कहा ही नहीं जा सकता कि हदीस की किताब उसने पढ़ी है यह कुत्वी सिता है और उसके अल्हम्दुलिल्लाह अजमत वाले काम अजीम होते हैं और ये अजीम जो बनता है इंसान दरअसल बर्दाश्त करने की जिस दर्जा किसी भी इंसान के अंदर जब बढ़ता जाता है तो अमाल भी उसके उसी दर्जा बढ़ते जाते हैं अगर उसे बर्दाश्त नहीं होता कोई चीज हमसे यह बर्दाश्त नहीं होता हमसे यह बर्दाश्त नहीं होता हर चीज की एक हद होती है सब्र की कोई हद होती है जब इस तरह की गुफ्तु आ जाए तो आप समझ लीजिए यह गहरा तालाब नहीं है ये गहरा तालाब नहीं है हल्का गहरे तालाब की पहचान क्या है कि उसके बर्दाश्त की कोई इंतहा इन नमायफा बरोना हिसाब सब्र करने वालों का अल्लाह पूरा पूरा बदला बेहिसाब देगा उसका हिसाब अल्लाह ने रखा ही नहीं बेहिसाब तो जिसका अजर अल्लाह ने बेहिसाब रखा हो वो अमल भी बेहिसाब चाहिए। होना चाहिए वो अमल भी बेहिसाब होना चाहिए यानी हमें बर्दाश्त किसकी किसकी बर्दाश्त करनी चाहिए अपनी अपने आप की अपने आप को भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता होता है ऐसा आदमी अपने आप को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता यूं ऐसे नोचने लगता है अपने आप बाज अवकात आते हैं यूं अपने आप को तमाशे मारने लगता है गिरबान फाड़ना और इस तरह के हालात जो इंसान के ऊपर आता है वो अपने आप को भी नहीं बर्दाश्त कर पाता अपने घर वालों को बर्दाश्त करना घर में माँ है बाप है भाई है बहन है बीवी है बच्चे हैं घर वालों को क्या हो सकता है ऐसा क्या हो सकता है कि आपके ऊपर घर के सारे लोग बरस और आप मुस्कुरा रहे हो सारे लोग आप पर बरस रहे हो बरस रहे हो मतलब जानते हैं ना सब एक तरफ हो रहे हैं। सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है उनकी यह शिकायत है उनकी यह शिकायत है उनकी यह शिकायत है उनकी यह शिकायत है उनकी यह शिकायत, शिकायत है और जिसको शिकायत की जाए वो हर एक के लिए मुस्कुरा उठे हो सकता है ऐसा <laughs> ये अजीम इंसान है वो इंसान जिस पर उसके घर के चारों तरफ से तीर और तफंग उसके ऊपर बरस रहे हों और वो मुस्कुरा के सबको जवाब दे रहा हो यानी सीरियस ऐसा ना हो कि उसकी जुबान से कुछ भी निकल जाए और उसके जिस्म के जो आजा और जवारे हैं वो कुछ भी कर बैठे नहीं सबको वो अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं सबकी समझ बूझ करके हमत की रोशनी में हर एक को तसल्ली बख्श जवाब दे रहा है गुफ्तू कर रहा है अगर ऐसा कंट्रोल करने की सलाहियत अगर हमारे अंदर है सिर्फ अपने आप को नहीं अपने आप को तो कंट्रोल बहुत पहले कर चुका है लेकिन लोगों को भी ऐसा वो कंट्रोल करने की कोशिश करे कि अपने आप को ना उछाल दे होता है कुछ लोग काफी समझदार रहते हैं और उनको समझाएं उनको समझाएं नहीं समझते हैं तो वो शुरू हो जाते हैं। मेरी भी नहीं सुनता तो एक वक्त आता है कि वो भी एक हिस्सा बन जाता है उस लड़ाई का उस इख्तलाफ का एक हिस्सा वो बन जाता है कब जब समझाते समझाते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए खुद उसी के ऊपर जब हमले शुरू हो जाए कि आपके अंदर क्या है आपने तो फला मौके पर ऐसा है आप फला मौके पर ऐसा और फला मौके पर ऐसा है आपके अंदर कौन सा सुरखा आपका पर लगा हुआ है वहां पे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए अगर वहां पर भी वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता तो वो वसीब वहां भी अगर वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है और कुछ भी असर अपने ऊपर नहीं आने देता हकीकी माने में नहीं आने देता ऐसा नहीं कि वो दबा रहा है एक होता है दबाना यानी ब मुश्किल वो कंट्रोल कर रहा है और दूसरा होता है कि वो, उसका असर आया ही नहीं उसके ऊपर उसका असर उसके ऊपर आया ही नहीं इसको जानते हैं कौन सा नाम देते हैं तो है सब्र कर जाना गु़स्से पर जाना, बर्दाश्त कर लेना ये सब तो है एक और जुमले की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि जिससे मसाइल बनते हैं बिगड़े हुए ज़माने के पेचीदा बिगड़े हुए मसाइल आसानी के साथ घरेलू ख़ासतौर से घरेलू मसाइल ज़्यादा बिगड़ते हैं उनको कंट्रोल करने का एक बेहतरीन नुस्खा जो अइम इस्लाम की तरफ से हमें दिया गया इसी से जुड़ा हुआ वो है इसी से बिल्कुल जुड़ करके क्या नाम है उसका इशारा तो सब कर दिया <laughs> अब उसका नाम बता दो तो वही इशारा बाकी है तो। खामोश रहना खामोश रहना उसका एक हिस्सा है <laughs> उसका एक जुज है पूरा नहीं है देखिए एक गफलत का नाम सुना है आपने गफलत किसे कहते हैं जो रहा है उससे आपने वो गाफिल का लफ हटा के तफसर कीजिए <laughs> हाँ किसी चीज को किसी चीज को अपने पीछे कर देना भुला देना जानी अनजानी कर देना सुनी अनसुनी कर देना यानी जानबूझ करके किसी चीज से आंखें बंद कर लेना सुस्ती की वजह से भी होता है और जानबूझ करके भी होता है तगाफुल इसी से है क्या है इसी से नहीं। 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 से है तगाफुल क्या मतलब तगाफुल का गफलत गफलत की एक्टिंग करना तगाफुल का मतलब गफलत की एक्टिंग करना यानी कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ा और आपने मस्जिद में देखा किसी भी सब में नहीं हो मौजूद ही नहीं है एक एक करके लोग आए और चले गए वो नहीं है और आपने बिस्तर पर भी देख लिया कि आराम फरमा है सुबह है कि उन्हें नमाज नहीं पढ़ी लेकिन आपके ज़ुबान पर ऐसा कोई कलिमा नहीं आया कि जिससे ये पता चलता हो कि आपको पता चल गया है कि उसने नमाज नहीं पढ़ी है हो गया टाइम इसकी तोजीह मैं बाद में करता हूँ थोड़ा सा यहीं पर रोक देता हूँ थोड़ा अजान हो रही है क्योंकि ये मौजू थोड़ा अहम है और बीच में रोकना ठीक नहीं है अल्लाह नहीं नहीं कल के दर से हाँ इसी पर इतफा करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लाम नबी मोहम्मद